हेलो दोस्तों, जब भी फ्रूट्स आप मार्केट से लाते हैं तो कुछ दिनों बाद आपने नोटिस किया होगा वो सड़ने लग जाते हैं। तो इसके पीछे साइंस क्या है और फ्रूट को सड़ने से कैसे रोका जा सकता है? फ्रूट को सड़ने के पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम एक्टिविटी भी। अब इन सारे फैक्टर कैसे काम करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं जो रिपनिंग प्रोसेस होता है और सड़ने का जो प्रोसेस होता है स्पॉलिंग प्रोसेस वो कैसे काम करता है। प्लांट और फ्रूट एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम इथिलीन होता है। वो इन प्लांट ऑफ फ्रूट्स में एंजाइम की तरह वर्क करता है जो कि हेल्प करता है रिपनिंग प्रोसेस में। अब कोई फ्रूट ज़्यादा अमाउंट में ये गैस प्रोड्यूस करता है और कोई फ्रूट कम अमाउंट में। जैसे एग्जांपल की तरह केला, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप फ्रूट को मतलब केले को आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो कुछ दिन बाद वो सड़ने लग जाता है। इसके पीछे इथिलीन गैस है और एक और प्रोसेस जिसको ब्राउनिंग प्रोसेस कहते हैं वो आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। अब ये इथिलीन गैस जो होती है वो एंजाइम की तरह एक्ट करती है फ्रूट में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है फ्रूट के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देती है सिंपल शुगर में, जिस वजह से क्या होता है जो हार्ड फ्रूट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में एक और एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम पेक्टिनेज है। ये स्टार्च को मतलब ये भी एक पॉलीसेक्राइड है स्टार्च, इसको कन्वर्ट कर देता है ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में लाइक ग्लूकोज में। अब इस स्टार्च के ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है कि जो हार्ड फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसकी स्वीटनेस भी बढ़ जाती है। इस तरीके से रिपनिंग प्रोसेस काम करता है। अब क्या होता है जब ज़्यादा फ्रूट ज़्यादा पकने लग जाता है उस वजह से जो सेल वॉल होती है उसकी और जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक होने लग जाता है और वीक होने लग जाता है टाइम के साथ साथ। अब यहाँ से स्पॉलिंग की जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है। अब इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं थोड़ा। पॉलीफिनोल, ऑक्सीडेज और फिनोल, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। अब ये पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन जब उसे मिलेगी तभी वो रिएक्ट करेगा, मगर हमारे तरफ चारों तरफ ऑक्सीजन है तो ये जरूर रिएक्ट करेगा फिनॉल से जो कि फिनॉल को पॉलीफिनॉल बना देगा। अब ये पॉलीफिनॉल मेलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप फ्रूट के ऊपर सरफेस पर देखते होंगे कभी ब्राउन, ब्लैक, रेडिश स्पॉट होते हैं वो मेलानिन की वजह से ही होते हैं और इस प्रकार ये जो स्पॉलिंग प्रोसेस है ये काम करती है। अब इसको ब्राउनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है पर कभी कभार हमसे क्या होता है कि जो फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और उस पर कट लग जाता है, जिस वजह से ना फ्रूट 100 गुना ज़्यादा एथिलीन प्रोड्यूस करने लग जाता है और जिस वजह से रिपनिंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाती है। और स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से पॉलीफिनोल, ऑक्सीडेज और फिनोल ये दोनों मिक्स हो जाते हैं जिस वजह से ब्राउनिंग इफेक्ट और जल्दी तेज़ी से होने लग जाता है और फ्रूट जल्दी सड़ने लग जाता है। अब थोड़ा एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको रेगुलेट और एक्सेलरेट करते हैं। अब ये एंजाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अपनी एफिशिएंसी शो करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और अगर टेम्परेचर काफ़ी कम कर दिया जाए तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तभी जो फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम काम करते हैं वो काफ़ी उनकी जो एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाए, जिस वजह जो रिपनिंग प्रोसेस है ब्राउनिंग इफेक्ट है वो काफ़ी स्लो हो जाए। पर कुछ कुछ क्या होता है बनाना ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इनको ना फ्रिज में रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से स्पॉइलिंग करने लग जाते हैं, जिस वजह से इनके लिए रूम टेम्परेचर ही बेस्ट होता है। एंजाइम और टेम्परेचर के बारे में तो समझ लिया पर लाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट करते हैं फ्रूट को ये भी समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर फ्रूट को लाइट से एक्सपोज करोगे तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना वो स्पॉइल करने लग जाती हैं, जिस वजह से ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आसपास होते हैं या फिर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उनके वो उसमें ग्रो होने लग जाते हैं उसके अपर लेयर में। और क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिस वजह से उस पर ग्रो होने लग जाते हैं और वो और तेज़ी से सड़ने लग जाता है। आप कुछ ऐसे तरीके देख लेते हैं कि जो स्पॉइलिंग प्रोसेस है उसको स्लो कैसे कर दिया जाए। फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल जैसे फ्रूट को फ्रिज में रखना चाहिए ताकि इनकी एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है ब्राउनिंग इफेक्ट जो करते हैं वो स्लो हो सके। फ्रूट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको डैमेज नहीं करना चाहिए ना कि कट लगाना चाहिए क्योंकि उससे रिपनिंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाती है। अगर एक फ्रूट सड़ा हुआ हो या फिर किसी पे कट लगा हो उस फ्रूट को दूसरे फ्रूट के अगल बगल रखना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें इथिलीन गैस 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होती है जिस वजह से अगल बगल के फ्रूट्स को और तेज़ी से सड़ा सकता हो। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में इथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, एवोकाडो, मैंगो, पियर, स्ट्रॉबेरी, टमाटो। इन फ्रूट को अगल बगल नहीं रखना चाहिए वेजिटेबल और फ्रूट के क्योंकि ये उनकी रिपनिंग प्रोसेस और ब्राउनिंग प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं। और लास्ट बात, जो भी फ्रूट पके नहीं होंगे, रिप नहीं होंगे, उनको फ्रिज में रखना नहीं चाहिए क्योंकि जो रिपनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है फ्रिज में
और जिस वजह से फ्रूट पक नहीं पाएंगे ढंग से, तो उनको रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब पक जाएँ उसके बाद रेफ्रिजरेटर पर रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।